कटरीना कैफ और सलमान खान इन दिनों मीडिया की आई कैंडी बने हुए हैं। ये तो आप भी मानते होंगे कि सलमान खान कटरीना पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। कई बार वो कैट के लिए अपनी दिलगी बयां कर चुके हैं और हाल ही में उनके लेटेस्ट फोटो शूट ने तहलका मचाया हुआ है। तो वहीं टाइगर ने जोया को एक शानदार गिफ्ट भी दे दिया है जो जोया के दिल के बेहद करीब है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या। बर्फ पर बनी कटरीना कैफ की ये तस्वीर जोया को टाइगर की तरफ से एक शानदार तोहफा है। जी हाँ, कटरीना कैफ की ये तस्वीर बर्फ पर बनाई गई है। जरा देखिए, जोया के लिए सलमान खान ने बर्फ की चट्टान पर ये खूबसूरत तस्वीर बना डाली जिस पर से नजरें हटा पाना मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये तस्वीर खुद सलमान खान ने बनाई है। सलमान ने अपने दिल के सारे अरमान इस तस्वीर के जरिए जाहिर कर दिए हैं, तब जाकर जोया की ये खूबसूरत तस्वीर बन पाई है। कटरीना कैफ के साथ ही फिल्म की टीम ने भी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर को बनाते हुए आप टाइगर को लेटेस्ट सॉन्ग दिल दिया गल्ला में देख पाएंगे। अजी, ये तो सलमान खान ने कटरीना को तोहफा दिया है। अब हम आपको वो तोहफा दिखाते हैं जिससे टाइगर और जोया ने मिलकर अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों को दिया है, जिसे देखकर आपका दिल कुर्बान हो जाएगा, इनकी जोड़ी पर आप फिदा हो जाएंगे। जी हाँ, ये तस्वीर सलमान खान और कटरीना कैफ ने एक फेमस मैगजीन के लिए करवाई है और यकीन मानिए, इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। आज हर तरफ इन तस्वीरों ने धमाल मचाया हुआ है। एक एक तस्वीर में सलमान और कटरीना की प्यार भरी केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। ब्लैक रंग की आउटफिट में वो बेहद गॉर्जियस लग रही हैं। फिर उनका स्टाइल और अंदाज देखते ही बन रहा है। ब्लैक ड्रेस और उस पर रेड जैकेट, कटरीना का सेक्सी लुक कमाल का दिख रहा है। वहीं बात करें सलमान खान की, तो उनका डेविल और डेडली अंदाज, उस पर उनकी किलर मुस्कान देखकर तो कई हसीनाओं का दिल कुर्बान हो चुका होगा। फिर इन दोनों ने जो एक साथ फोटोशूट करवाया है वो भी गजब ढा रहा है। उनकी हर एक तस्वीर को देखकर आपके दिल से एक ही आवाज निकलेगी, उफ कयामत है ये जोड़ी। इस फोटोशूट के जरिए ये जाहिर हो चुका है कि साल 2017 की सबसे रोमांटिक जोड़ी का टाइटल अगर किसी को मिलेगा तो वो है टाइगर और जोया को। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब सलमान खान ने अपनी फिल्म की किसी हीरोइन के साथ ऐसा हॉट एंड सिजलिंग बिंदास फोटोशूट करवाया हो। इन दोनों की जोड़ी कमाल की लग रही है। उम्र का फासला इन दोनों के बीच कहीं से नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरों में सलमान और कटरीना के बीच की दिल लगी का आलम साफ देखा जा सकता है। ऐसा लग रहा है ये जोड़ी मेड फॉर ईच अदर है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सलमान और कटरीना ने तस्वीरों के जरिए लोगों का दिल जीता हो। भाई, जब से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है तब से इन दोनों की खूबसूरत तस्वीरों ने लोगों का दिल जीता है। हाल ही में इनकी फिल्म के नए गाने दिल दिया गल्ला की खूबसूरत और रोमांटिक पिक्चर रिलीज हुई थी जिसमें सलमान और कटरीना का गुलाबी इश्क देखते ही बन रहा था। वहीं स्वैग से स्वागत सॉन्ग की रिलीज से पहले ही टाइगर और जोया की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई थीं, जिसने फैंस का दिल चुरा लिया था। वहीं फिल्म की शूटिंग के दौरान भी फनी तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। कुल मिलाकर सलमान और कटरीना अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए अपनी रोमांटिक तस्वीरों का सहारा ले रहे हैं, उसे वो जमकर भुना रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कटरीना के साथ उनकी जोड़ी को फैंस पसंद करते हैं। इन दोनों की जोड़ी का 5 साल बाद फिल्मी पर्दे पर साथ आना फिल्म के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। और इनकी हालिया फोटोशूट ने तो लोगों का दिल जीत लिया है और वहीं कईयों की नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सलमान खान अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि वो अपने हालिया फोटोशूट से सलमान और कटरीना ने मिलकर किसी को जोर का झटका दिया है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान होने वाले हैं, जो उनकी फिल्म को हिट कराने में काफी मदद कर सकता है। तो ये कैसे होने वाला है, आइए देखते हैं। कटरीना सलमान का ये फोटोशूट कमाल का लग रहा है। हर कोई खुश हो रहा है, इनकी हॉट केमिस्ट्री पर चर्चा कर रहा है। लेकिन क्या आपको ये तमाम तस्वीरें देखकर किसी की याद नहीं आ रही है? जरा दिमाग पर जोर डालिए।
जिस तरह से सलमान खान और कटरीना कैफ मैगजीन के लिए फोटो शूट करवा रहे हैं, उसी अंदाज में साल भर पहले बॉलीवुड की किसी ब्यूटी क्वीन ने भी ऐसे ही फोटो शूट करवाया था। जी हाँ, साल भर पहले बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन और रणवीर कपूर नजर आए थे। अब आया याद? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन की उस फेमस फोटोशूट की जो उन्होंने ए दिल है मुश्किल की रिलीज से पहले करवाया था। इस फोटोशूट में रणबीर और ऐश्वर्या की क्लोजनेस देखकर हर तरफ तहलका मच गया था। हर तरफ बस इसी फोटोशूट की चर्चा हो रही थी। अब अगर आप सलमान और कटरीना का लेटेस्ट फोटोशूट देखेंगे तो दोनों फोटोशूट में स्टार्स के पोज देने का अंदाज लगभग एक जैसे ही है। एक तरफ कटरीना सलमान की गोद में बैठी हुई है तो दूसरी तरफ रणबीर कपूर की गोद में ऐश्वर्या, है ना? दोनों ही सेम टू सेम। वैसे फोटोशूट के जरिए दिल लगी दर्शाना कोई नई बात नहीं है। जब भी किसी बॉलीवुड स्टार्स की फिल्म रिलीज होती है तो उससे पहले या फिर बाद में अक्सर फिल्म के लीड स्टार्स रोमांटिक केमिस्ट्री को भुनाने के लिए सबसे पहले एक हॉट एंड बोल्ड फोटोशूट करवा लेते हैं, जिससे फिल्म के साथ साथ कपल भी फेमस हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ सलमान और कटरीना ने भी किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी जोड़ी फैंस के लिए पहले से ही सुपरहिट है। और इस बार तो सलमान और कटरीना ने अपने फोटोशूट से हर किसी की बोलती ही बंद कर दी है। एक तरफ ये फोटोशूट देखकर रणबीर कपूर के होश उड़ गए होंगे तो दूसरी तरफ सलमान खान की ड्यूमर गर्लफ्रेंड लूलिया वंतूर का दिल भी जरूर जल भुन गया होगा। आखिर इन तस्वीरों में जोया और टाइगर की रोमांटिक केमिस्ट्री कमाल की जो लग रही है। अब जब तस्वीरों ने इतना धमाल मचाया हुआ है तो जरा सोच के जनाब, फिल्म कितना धमाल मचाएगी। बताया जा रहा है कि सलमान खान की टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर सकती है। हालांकि पहले डर था कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी और सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है की कमाई थोड़ी उससे इफेक्ट जरूर होगी, लेकिन पद्मावती की रिलीज डेट फिलहाल टल चुकी है तो इस लिहाज से टाइगर जिंदा है को इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म गोलमाल अगेन का रिकॉर्ड ब्रेक करना है, जिसने अब तक करीब 205 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जो शायद अपने पहले वीकेंड पर ही टाइगर पार कर ले। और दूसरे नंबर पर वरुण धवन की जुड़वा 2 है, जिसने करीब 150 करोड़ का बिजनेस किया था और कहा जा रहा है कि इसे भी टाइगर पार ही कर देगा। लेकिन सही मायने में अगर टाइगर को किसी फिल्म को टक्कर देनी है तो वो है बाहुबली 2 को, जिसने दुनिया भर में करीब 1700 करोड़ का शानदार बिजनेस किया था। और वहीं भारत में बाहुबली 2 ने करीब 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। अब सलमान खान और कटरीना की फिल्म टाइगर जिंदा है से पहले इनकी तस्वीरों ने वैसे ही करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया है। अब तो इंतजार है बस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर धमाल देखने का। हम सब यही मारे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि फोटोशूट से कपल के लिए वो जरिया तो होते ही है दिल लगी दिखाने का। ये साथ ही साथ फिल्में करते हैं, खूब रोमांस का तड़का लगाते हैं और स्टीमी फोटोशूट से भी बहुत कुछ अचीव करते हैं। और जब कुछ कहा जाता है तो कहते हैं फिल्म ये सब तो फिल्म का ही हिस्सा है। और तो और कौन से स्टार्स इस लिस्ट में शामिल है और जिन्होंने अपने ऐसे ही स्टीमी फोटोशूट से तहलका मचाया है, आइए देखते हैं। जन्म जन्म साथ चलना ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। वाकई लगते हैं ना ये दोनों कि इनका रिश्ता जन्म जन्म के लिए ही बना है। दोनों साथ में इतने गजब के लगते हैं कि क्या कहा जाए। दोनों की केमिस्ट्री, इनकी आंखों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार साफ बयां होता है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह चाहे ही एक दूसरे के रिश्ते को जग जाहिर ना करे, लेकिन उनकी केमिस्ट्री बहुत कुछ बोल जाती है, फिर चाहे फिल्म हो या फिर कोई फोटोशूट। आपको इनका ये फोटोशूट तो याद ही होगा जिसमें इनकी केमिस्ट्री का अलग ही लेवल देखने को मिला था। इस फोटोशूट में इनका चार्म देखते ही बन रहा था। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने वोग मैगजीन के एडिशन के लिए हॉट फोटोशूट करवाकर सबको चौंका दिया था। वो दोनों इन तस्वीरों में इतने हॉट लग रहे थे कि देखने वालों के मुंह से वाह निकल जाए। ये फोटोशूट इनकी फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए था। इस फोटोशूट से इन्होंने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी। हर न्यूज़पेपर, हर वेबसाइट ने इस फोटोशूट को स्पेशली दिखाया था। वैसे पूरे ही बाजीराव मस्तानी के प्रमोशन के टाइम इनकी केमिस्ट्री देखते ही बनती थी, लेकिन इस फोटोशूट ने तो सबको घायल ही कर दिया था। भाई दीपिका ने ऐसे ही कह ढाया था अपने एक्स रणबीर कपूर के साथ जब वो साथ हुआ करते थे, तब उन्होंने कई मैगजीन के कवर पेज के लिए फोटोशूट करवाया था। ये सभी फोटोशूट्स भी
खूब वायरल हुए थे। इसके अलावा इनकी फिल्मों में इनकी कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिलती है और फिल्म तमाशा के दौरान अपने प्रमोशनल इवेंट्स में तो इन्होंने अपनी सिजलिंग केमिस्ट्री से ब्रेकअप के बाद भी आग लगा दी थी। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की तरह ब्रेकअप के बाद अपनी क्लोजनेस से श्रद्धा कपूर और आदित्य चोपड़ा ने भी खूब लाइमलाइट बटोरी थी। जी हाँ, ब्रेकअप के बाद भी इन्होंने फिल्म ओके जानू साथ में शूट की। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन इनका रोमांस, इनकी जोड़ी सुपरहिट हुई थी। इसमें चार चांद लगाए लीडिंग मैगजीन के लिए इनके इस फोटो शूट ने, जिसमें दोनों एक दूसरे में खोए हुए नजर आ रहे थे, साथ में गजब के लग रहे थे। जी हाँ, इनकी क्लोजनेस, इनकी बॉन्डिंग देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ब्रेकअप के बाद ये साथ साथ आए हैं। और जब ये फोटो शूट आया था तो इनकी नजदीकियों की फोटोज बाहर आई थी, ये पूरे मीडिया में छा गए थे और बात होनी भी लाजमी थी, कपल था इतना क्यूट और साथ ही साथ हॉट भी। कुछ इसी तरह अपने राब्ता से, अपने बोलने से आग लगाई थी राब्ता कपल सुशांत सिंह राजपूत और कृति सैनन ने। जी हाँ, ये दोनों अक्सर ही साथ में फोटो शेयर करते रहते हैं। लेकिन जनाब, जब इनका ये फोटो शूट सामने आया तब तो भाई इनकी केमिस्ट्री ने खूब हेडलाइंस बनाई थी। ऐसा लग रहा था मानो ये कपल चीख चीख कर सारे जमाने को बताना चाहते हैं कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बेहद करीब भी आ गए हैं। तो देखा आपने कैसे स्टार्स तस्वीरों के जरिए अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भुनाने की कोशिश करते हैं और फैंस का दिल भी चुरा ही लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सलमान कटरीना ही बस नहीं, और भी ऐसे कपल्स हैं जो अपने सिसलिंग फोटो शूट से या फिर अपने ऐड से सबका दिल जीत लेते हैं और देते हैं साथ ही साथ रिलेशनशिप गोल्स भी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्टार्स इस लिस्ट में शामिल। लिस्ट की शुरुआत करेंगे विराट और अनुष्का से, जिन्हें पहली बार हमने साथ देखा था एक शैम्पू के ऐड में। जी हाँ, आपको इनका ये ऐड तो याद ही होगा, जब पहली बार अनुष्का विराट साथ स्क्रीन में नजर आए थे और उसके बाद तो इनका प्यार परवान ही चढ़ता गया, जिसका गवाह क्रिकेट मैदान से लेकर बी टाउन की गलियां बनी है। जी हाँ जनाब, भले अनुष्का विराट ने ऑफिशियली कोई फोटोशूट नहीं कराया हो, लेकिन पार्टीज में, इवेंट्स में, अपने साथ में प्रेजेंट से ये सबको बता देते हैं कि एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इस वक्त प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। कुछ वक्त पहले ही इनकी फोटोज वायरल हुई थी जो एक क्लोथिंग ब्रांड के ऐड के लिए थी, जिसमें लाल लहंगे में अनुष्का और शेरवानी में विराट दूल्हा दुल्हन से कम नहीं लग रहे थे। ये फोटोज काफी थी इनके फैंस का दिल चुराने के लिए। जनाब, आजकल हाल तो ये हो चले हैं कि जहाँ भी जाते हैं साथ ही साथ जाते हैं। पहले ये साथ गए थे युवराज हेजल की शादी में और फिर कुछ वक्त पहले ही दोनों साथ साथ पहुंचे थे जहीर और सागरिका की वेडिंग रिसेप्शन में, वहाँ भी इन दोनों ने साथ में ही शिरकत की थी और फिर से सबके सामने अपने प्यार का इनडायरेक्टली इजहार भी किया। इससे पहले भी कई इवेंट्स में हमें साथ दे चुके हैं, वाकई रिलेशनशिप हो तो इनके जैसा। तो जैसे ही एक दूसरे के प्यार में दोनों डूबे हुए हैं सिद्धार्थ और आलिया, ये जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं और अपनी केमिस्ट्री से सबको इम्प्रेस कर देते हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को अपना सिर्फ अच्छा दोस्त बताते हैं, लेकिन सिद्धार्थ और आलिया की दिल्लगी अक्सर इनके फोटो शूट्स के रूप में सामने आती रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने इम्प्रेस किया था अपने हॉट और बोल्ड फोटो शूट से। इस फोटो शूट के बारे में अब क्या कहा जाए, बीच साइड पर करवाए गए इस फोटो शूट में तो इस कपल ने मानो पानी में ही आग लगा दी थी। हर फोटो, हर शॉट इनके प्यार की गवाही देते नजर आ रहा था। ये फोटो शूट इन्होंने कराया था फिल्म कपूर एंड सन्स के रिलीज होने से पहले और इस फोटोशूट से इनकी जोड़ी भी हिट हुई और ये फिल्म भी। लेकिन जनाब, ये कहां किसी से छिपा है कि फिल्म जेंटलमैन के दौरान सिद्धार्थ और जैकलिन के अफेयर की खबरें भी काफी उड़ी थी। कहा तो ये तक गया कि आलिया सिद्धार्थ और जैकलिन की केमिस्ट्री से नाराज है और उनका ब्रेकअप हो चुका है। फिर खबर आई कि जनाब सिद्धार्थ ने जैकलिन को शादी के लिए अपनी माँ तक से मिलवा दिया था। अब इन खबरों को और तो बल मिलेगा ही जब सिद्धार्थ और जैकलिन का ये हॉट एंड बोल्ड फोटोशूट सामने आया। दोनों की इस फोटोशूट की हॉट फोटोज वायरल होने लगी। हाँ, वो बात अलग है, इनकी फोटोज ही बस हिट हुई और ये फोटोशूट फिल्म जेंटलमैन बुरी तरह पिट गई। हालांकि बाद में इनके अफेयर की खबरें भी अफवाही साबित हुई। इसी तरह अपने अफेयर के कारण सुर्खियों में थे मिर्जिया कपल सयामी खेर और हर्षवर्धन कपूर। इनके तो डेब्यू से पहले ही खबर आने लगी थी कि दोनों रिलेशनशिप में हैं और इस खबर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया इस फोटोशूट ने। लीडिंग मैगजीन के कवर पेज पर इन्होंने अपनी शानदार केमिस्ट्री से सबको और भी कंफ्यूज कर दिया था कि ये रिलेशनशिप में है या नहीं। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, इनके अफेयर की खबरें भी कम होती गई। अब देखते हैं आगे और कौन सी जोड़ी अपने बोल्ड और हॉट फोटो से सुर्खियां बनाती है और फोटोशूट से दिल लगी का जरिया साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आप हमारी खबरों को सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं, आप अपने सजेशंस भी हमें सेंड कर सकते हैं और यदि आपको हमारे किसी भी प्रोग्राम में कुछ चेंजेस देखना है तो उसके लिए आप हमें फेसबुक ट्विटर पर लिख सकते हैं। हमारे प्रोग्राम को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट IBC24.in पर लॉग इन कर सकते हैं। हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए IBC24 के साथ। लंच केयर एंड बाय।